परिवार के प्रातःकालीन कार्यक्रम में हमारे सभी उपस्थित भाई बहन पिछले संडे तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे, लेकिन हर संडे जो हम लोग मिलते हैं और यहाँ मिलते हैं किस उद्देश्य से मिलते हैं, ध्यान किस रूप में हमारे अंदर परिवर्तन करता है, इसके बारे में अभी आप लोगों को बताया गया। भाई हम लोग यहाँ आते हैं विशेष उद्देश्य को लेकर कि हम वहाँ जाए तो कम से कम अपने अंदर इतना एनर्जी गेन करें कि एक सप्ताह के लिए हमको इतना चार्ज तो कर ही दे कि हमें फिर कहीं रुकावट नहीं मिले। क्योंकि आज का जो वातावरण है वो कुछ इस टाइप का है कि आप अंदर से भले ही कितने प्रतिभाशाली हैं, अंदर में आपको बहुत जुनून है, लेकिन उस जुनून को आप किसी एक ऐसे सप्लाई चेन से नहीं जोड़ते हैं जहां से कंटिन्यूसली आपको वो धारा प्रवाह जिस तरह से करंट के लिए फैन है यहाँ पे या बाकी लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने क्या किया इसको, हमने इसको क्या किया, पावर हाउस से कनेक्टिविटी कर दिया है। और जब ये पावर हाउस से कनेक्ट हो गया तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि अगले सेकंड में अब इसको सप्लाई कहाँ से आएगी, अगले सेकंड में हमारे बिजली कहाँ से आएगी। ये चिंता हमारी खत्म हो जाती है, ये चिंता फिर उसकी हो जाती है जो कि पावर हाउस को संभालना है। ठीक है, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है भाइयों कि हम प्रतिभाशाली हैं, सब कुछ है हमारे अंदर, इस पंखा में हर वो चीज है, फैन में हवा लगने का पूरा क्षमता है, लेकिन जब तक ये सप्लाई से कनेक्ट नहीं है ये अपने आप में कुछ नहीं है। हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि हम चाहे हमारी प्रतिभा चाहे हमारी बुद्धि बहुत ताकतवर है, हमें लगता है हमें अभिमान है अपनी चीजों पर, लेकिन अगर उसको हम एक सकारात्मक चिंतन के साथ नहीं जोड़ के रखे हैं, एक अध्यात्मवादी चिंतन के साथ जोड़ के रखे हैं, तो फिर कब हमें वो धोखा दे देगी हमारी बुद्धि, हमें बुद्धि नहीं मालूम चलेगी। और जब तक मालूम चलेगा हमें तब तक काफी देर हो चुका होगा, फिर हमारे पास पश्चाताप के अलावा और चारा नहीं होगा। तो ऐसा ना हो हमारे जीवन में, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में ना हो, उसके लिए क्या सप्लाई चेन हमें अपनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जाती है और उस सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, हमारे आदरणीय भाइयों के विचार के माध्यम से, कि हम सभी बाहरी वातावरण के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सके और जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं हम वो चीज हमें प्राप्त हो सके। इसी क्रम में भाइयों एक जो विषय है जिसके ऊपर शायद हम लोग कभी चिंतन करते भी हैं कभी नहीं भी करते हैं, और चूंकि बाहरी वातावरण ऐसा है तो मन में भले ही एक बार हमारे अंदर आए कि हाँ ये चीज ठीक है, बट बहुत ज्यादा हम उस पथ पे चलने की कोशिश या प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, और वो है अपने चरित्र के निर्माण पे। सामान्यतः अगर कोई बात करे कि चरित्र निर्माण की बातें, भाई चरित्र निर्माण करो, तो एक या दो चीज ही हमारे अंदर आ पाती है। क्या पाती है कि चरित्र मतलब ये कि हमारी जो दृष्टि है वो ठीक होनी चाहिए, और खास कर किसके प्रति दृष्टि ठीक होनी चाहिए, तो महिलाओं के प्रति और बहनों के प्रति हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। हम उसको किसी भी नारी को देखें तो उसमें अपनी माता की छवि देखें या बहन की छवि देखें, लेकिन सिर्फ चरित्र इतना ही नहीं होता है। जिस तरीके से फ्लावर फूल जो है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग को लगता है वो उसका सुगंध लगता है, जब वातावरण फैलता है तो लगता है कि वाह कितना बढ़िया फूल है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए या चरित्र की जो सबसे मस्ट पावरफुल चीज है वो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो ये चिंतन है कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हो कि हम दूसरों के प्रति नारियों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखें, लेकिन सिर्फ इतना ही रखना और इतना ही सोचना चरित्र नहीं है। तो फिर आप सभी लोग कहेंगे कि चरित्र है क्या, चरित्र के अंदर हर वो एक चीज हर वो एक बात ऐसी है जो कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब उसमें आप अपने शुरुआत मॉर्निंग में जहां से शुरुआत करते हैं वहां से लेकर शाम को जहां तक अंत करते हैं जहां पर हम वेट रूम में जाते हैं वहां तक की हर एक बातें चरित्र के अंदर आ जाती है, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की बातें हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की बातें हो, चाहे वो आपके खान पान की बातें हो, चाहे फिर बाहर दोस्तों के घूमने की बातें हो, किसी से बात करने की बातें हो, क्लासरूम में जाने की बात हो, हर एक बात चरित्र के अंदर आ जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही इंपॉर्टेंट चरित्र का है तो फिर अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं आ पाए तो क्या होगा, अगर भाई हमारे अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हम सोचे तो ये देख पाएंगे कि हम करते क्या है। मान लीजिए भविष्य भूतकाल में हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोगों ने किया होगा निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कोई अच्छा काम ना किया हो, तो हमारे चिंतन क्या होती है सबसे ज्यादा फोकस, कभी अपने आप जब प्राउड फील होता है तो मतलब हाँ मैंने वो काम किया था, और ना सिर्फ हमारे मन में आता है ये बात बल्कि हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि देखो मैंने ये काम किया था, मैंने वो काम किया था, इस तरह से मैंने बेहतर किया था, लेकिन वर्तमान में हम चिंता नहीं कर पाते कि हमें भी क्या करना है। फिर इसको छोड़ करके हम भविष्य की ओर चले जाते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ काम किया था और ऐसा मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, तभी आप बैठ के बातें बना रहे हैं। ये है हमारे चरित्र की कमियां, अगर हम इसमें सोचे तब जाकर के वास्तव में हमारे चरित्र के अंदर वो फ्रेग्रेंस बन पाएगा जो कि होना चाहिए। आप सभी ने फील किया होगा, चूंकि
अधिकांश भाई हमारे यहाँ यूपीएससी और एसएससी के बैठे हुए हैं, तो सबके अंदर ये होगी कि हम एक अच्छे अधिकारी बने। लेकिन अधिकारी तो सब बनते हैं, बट सबके अंदर से वो चमक क्यों नहीं पैदा हो पाती कि हम सभी को जान पाए? कुछ ही ऐसे लोग क्यों हो पाते हैं जिनका नाम हमारे होठों पे हमेशा बजते रहता है और निकलते रहता है, हमारे मन में उसके प्रति आते रहता है, लेकिन बाकी हजारों हजार आईएएस और आईपीएस बनते हैं यहाँ, लेकिन सबका नाम क्यों नहीं आ पाता है? उसके पीछे का जो वजह है भाई, वो है चरित्र की शक्ति, कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ तक ले आती है, और जब ये कैरेक्टर की बातें हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमें भी बाकी सभी लोगों से अलग हटके बनाती है। और इस कैरेक्टर को बनाने में, क्योंकि जब आप चरित्र की बातें करते हैं तो इस कैरेक्टर को बनाने में जिस शक्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है, उस शक्ति का नाम है अध्यात्म की शक्ति, उस शक्ति का नाम है गायत्री मंत्र की शक्ति। क्योंकि ये चीज जब हमें करनी होती है, मान लीजिए आज का वातावरण जिस रूप में है, अभी अगर इस तरह की बातें हो भी रही है तो हमारे अंदर ऐसी भावना है नहीं, बातें तो बहुत अच्छी हो रही है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो फिर रूम में जाने के बाद एक आध घंटा के बाद एक आध दिन के बाद फिर से हम उसी वातावरण में हमको अच्छा लगने लगता है, हम उन्हीं बातों में रस लेने लगते हैं जिसमें हम पहले थे, तो फिर आपको यहाँ एक दो घंटे आने और यहाँ अच्छा समझने से फायदा क्या होगा? तो वो चीज हो सकती है, हमें क्यों हमारे अंदर क्यों पड़ जाता है? वजह साफ है कि हमारे अंदर अध्यात्म की शक्ति नहीं आ पाती है। वजह साफ है कि यहाँ से जो बातें बताई जाती है कि भाई आप अपने अंदर 15 से 20 मिनट की गायत्री मंत्र की साधना को स्थान दीजिए, हम उसको नहीं दे पाते हैं। आज दे पाए कल हमारा डिस्कंटिन्यूटी बदल जाता है, तो फिर हमारे अंदर वो चीजें कहाँ से आ पाएगी? क्योंकि बात यह है कि बाहर का जो वातावरण है कंटिन्यूअसली हमारे माइंड पे फोर्स डाल रहा है कि नहीं तुम इसको सोचो, कुछ देर के लिए हमारा मन होता भी है घर में बैठ कर भी नहीं ये बेहतर है और ऐसा कुछ करो, लेकिन फिर अचानक से ऐसी हमारे अंदर से चिंता निकलती है कि नहीं वो चीज आपका सेट हो जाता है और फिर आप कुछ ऐसी बातों में चलना शुरू करते हैं जो कि आप पहले भी थे, तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति जो है, हमारे अंदर पावर जो है, हमारे अंदर स्टैमिना जो है वो खत्म हो गया रहता है, और उस स्टैमिना को कैसे बढ़ाया जाए इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज के समय में दुर्बुद्धि का जो वातावरण चारों ओर फैले हुआ है इसको अगर मिटाना है तो सिर्फ एक और एक पावर हाउस है, एक और एक लाइटिंग हाउस है जो प्रकाश फैला सकता है, जो हमारे अंदर की चीजों को इनलाइटमेंट कर सकता है, हमें अंदर से प्रकाशित कर सकता है, हमारे अंदर के व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है, और वो है गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है और जब आप इसको करते हैं तो इंस्टेंट आपके अंदर प्रकाश देता है, और ना सिर्फ इंस्टेंट प्रकाश देता है, क्योंकि इंस्टेंट प्रकाश तो ऐसा शॉर्ट सर्किट से भी होता है, घर में कभी शॉर्ट सर्किट लग जाए तो इंस्टेंट प्रकाश तो हुआ बट उसके बाद क्या हुआ तो सारा कुछ खोखला हो गया, पूरा का पूरा सर्किट जो है हमारा बर्न हो गया, अब फिर से हमारा सारा चीज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र ना सिर्फ इंस्टेंट प्रकाश देता है, आपको फिर उसी इंस्टेंट प्रकाश में रोकने का काम करता है, लेकिन कब करेगा वो चीज? तब करेगा जब आपके अंदर एक नियमितता के साथ, एक श्रद्धा के साथ उसको अपनाने की ललक पैदा हो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ललक नहीं पैदा होगी, जब तक हमारे अंदर थोड़ी भूख नहीं बढ़ेगी, आप उस चीज को गेन नहीं कर सकते। गेन करने की कैपेसिटी हर जगह लागू होती है भाइयों, चाहे आप क्लासरूम में हो या कहीं और हो, जब तक आपके अंदर से सीखने की प्रवृत्ति नहीं आती है, क्लासरूम में जाने के बाद भी आपके अंदर वो चीज आप सीख नहीं पाते हैं जो टीचर आपको सिखाना चाहते हो। ठीक ऐसा ही बात अध्यात्म क्षेत्र में भी लागू होता है कि जब आप यहाँ कुछ लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो थोड़ी सी होती है कि आपने श्रद्धा को बढ़ाइए, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाइए। आपको यह पहले महसूस होना चाहिए आपके अंदर तर्क और तथ्य की चीजें है, तार्किक बुद्धि है आपका, बहुत अच्छा बात है, तार्किक बुद्धि होना भी चाहिए, लेकिन तर्क से आप एक बार अपने कसौटी पे कस लीजिए कि हाँ ये चीज सही है तो सही है, उसके बाद फिर हमारा मन हमको डाइवर्ट नहीं कर सके, नहीं भाई साहब कुछ देर पहले तो बड़ा तार्किक लगा था, नहीं बहुत अच्छा है आपने कहा गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, जब करेंगे तो फायदा भी होगा, कुछ देर हमके तो फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद वही तार्किक मन ऐसा हमें डुबाता है, ऐसा डुबाता है कि फिर गायत्री मंत्र कहा जाता है भूल जाते हैं, तो वो नहीं हो पाए। एक बार तर्क से हमारा मान लें कि ये चीज हमारा सही है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मन हमारा कितना ही डवाडोल हो, वो हमें कितने ही डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन हमें एक विश्वास हो जाना चाहिए बस नहीं हमें करना है तो करना है। हो सकता है कि जब 15 मिनट या 20 मिनट के लिए बैठे कभी कभी तो आपका मन बिल्कुल भी ना लगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा सभी के जीवन में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन लगेगा उस क्षण का हम इंतजार करेंगे और तब हम साधना में बैठेंगे, नहीं, आपने जो टाइम बनाया है मन लगे या लगे आप उस समय पर करके देखिए, क्योंकि वो जो टाइम आपका एक फिक्स हो रहा है जिस शेड्यूल में आप हैं तो उस समय धीरे धीरे आपके मन के अंदर से क्या होता है कि उन चीजों को खींचने की शक्ति हो, खींचने की शक्ति पैदा होती है, और भले ही आपका मन उस समय विरोध कर रहा हो लेकिन मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं, मस्तिष्क की जो सेल्स हैं, वो चाहता है कि हम उन चीजों को गेन करें, और जब सेम समय पे बिना मन लगे हुए भी आप उस चीज को करते हैं तो धीरे धीरे ही सही। भगत जी ने बताया आपको कि एबीसीडी से शुरुआत करना होता है अध्यात्म क्षेत्र में भी, ध्यान के क्षेत्र में भी, तो कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम उन चीजों को एक समय पे निर्धारित करके करते हैं तो धीरे धीरे सही हमारे अंदर वो स्टैमिना बनना शुरू हो जाता है, और फिर हमारा आत्मबल और जिस चरित्र की हम बातें कर रहे थे वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है,
छोटी सी कहानी है महात्मा गांधी के संबंध में, इसके लिए वो बताना चाहूंगा आप लोगों को। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जब तक एक बैरिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी क्षमताएं क्या थी, कितने पतले थे वो, दुबले थे, और उसके अंदर का आत्मविश्वास कैसा था, जो कि साउथ अफ्रीका में जाने के बाद एक केस को ढंग से वो नहीं करवा पाए। लेकिन वही गांधी बाद में जब परिवर्तित होता है, और वो परिवर्तन भी साउथ अफ्रीका से ही होता है। तो साउथ अफ्रीका की एक घटना है, उसके बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ और अंग्रेज नीति के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, तो एक बार ऐसा निर्णय किया गया गांधी जी के और उसकी टीम के द्वारा कि हम लोग मार्च करते हैं, और मार्च